हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.5 हम सॉल्व कर रहे थे। जो बच्चे नए आए हैं, जाइए नीचे कमेंट किया हुआ है, जो पिंड कमेंट है उसको चेक करिए, ठीक है। सबसे ऊपर आ रहा होगा वो कमेंट, वहाँ आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरा कमेंट जब खुल के आएगा, सबसे नीचे आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पूरा लिंक मिल जाएगा उस चैप्टर का। तो पार्ट वन से चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। देखिए बच्चों, ये लीस्ट कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है? लीस्ट का मतलब हो गया मिनिमम, आप यहाँ पे इस तरीके से समझ के चलिए, ठीक है, मिनिमम। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मिनिमम कर्व सरफेस एरिया एंड गिवेन वॉल्यूम, ठीक है। तो गिवेन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? गिवेन है, मतलब कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम आपको गिवेन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई राइट सर्कुलर कोन है और उसका वॉल्यूम आपको गिवेन है, सपोज 100 cm³, ठीक है, ये जो V है, मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ। सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो 100 cm³ है, करेक्ट। अब 100 cm³ वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है यहाँ पर, गिवन है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि वी को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में, जो भी वी होगा वॉल्यूम को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, सपोज वॉल्यूम 100 cm³ है, तो ऐसे कितने राइट सर्कुलर कोन आप बना सकते हो? तो जवाब है बहुत सारे। देखो, आप ऐसा भी कोन बना सकते हो, इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 100। आप इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, इसकी हाइट ऐसे बढ़ा दो, रेडियस कम कर दो, तो इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका भी है, ठीक है। और ये देखिए, इसका भी उतना ही वॉल्यूम है, ठीक है, 100 इसका, 100 इसका, 100 इसका, ठीक। तो इसमें फ़र्क क्या है तीनों में? और भी बन सकते हैं 100 cm³ वॉल्यूम के बहुत सारे राइट सर्कुलर कोन बन सकते हैं, लेकिन इन तीन का एग्जांपल मैंने लिया है। तो यहाँ तीनों में फ़र्क क्या है कि इनके सरफेस एरिया अलग अलग है। जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, जो बर्थडे कैप आपने देखी होगी, तो इसको अगर आप बाहर जाके पेंट करो, ठीक है, ब्रश से लेके पेंट करो, तो इसमें अलग पेंट खर्च होगा, इसमें अलग पेंट खर्च होगा, इसमें अलग पेंट खर्च होगा, सब में जो पेंट लगेगा उसकी क्वांटिटी अलग अलग होगी, मतलब कि सबका सरफेस एरिया क्या है? अलग अलग है। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है? इन्होंने हमसे बोला है कि हमको क्या प्रूफ करना है? राइट सर्कुलर कोन जिसका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम हो, मतलब गिवन वॉल्यूम के लिए हमको कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करते हुए क्या प्रूफ करना है? हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 times द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, हमको गिवन वॉल्यूम लेते हुए, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करते हुए ये प्रूफ करना है कि जो ऑल्टीट्यूड होगा इस कोन का, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, इट्स राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी? √2 times द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये जो हाइट होगी ये किसके इक्वल होगी? सपोज यही वाला कोन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड कोन है जिसका एरिया क्या है? एरिया मिनिमम मान लो, ठीक है। तो रेडियस अगर आर है और हाइट कितनी है? एच है। तो आपको क्या करना है? आपका जो टारगेट है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो आपका टारगेट है, अगर हम सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को अगर हम एस से दिखाएं, ठीक है, तो एस को मिनिमम करते हुए, ठीक है, और वॉल्यूम को फिक्स मानकर, यानी कि कांस्टेंट मानकर, आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि जो हाइट है, यानी कि जो ऑल्टीट्यूड है, वो √2 times है किसके? ये जो राइट सर्कुलर कोन का बेस है उसके रेडियस के। तो √2 times ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स वही प्रॉब्लम होगी। आपने लास्ट क्वेश्चन में जैसा देखा, बहुत लंबा खींचा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जब हम करते हैं, और ऑब्वियसली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही हमको करना पड़ता है, तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो आपने देखा बहुत लंबा जाता है वो। तो उसकी आप प्रैक्टिस करके जाइए। मैंने आपको कई बार बोला है कि एज इट इज क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप वहाँ पे एक घंटा लगा रहे हो, ठीक है, फटाफट आप उसको खूब प्रैक्टिस करिए साल भर में, ताकि आपसे वहाँ एग्जाम में फटाफट बन जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो वॉल्यूम है, अब आप लैंग्वेज खुद लिख लीजिएगा। सपोज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन राइट सर्कुलर कोन इज व्हाट? वी। एंड वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr² h होता है, करेक्ट। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है πr(l), और जहां पर l क्या होता है? स्लैंट हाइट। और ये देखिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट को हम लोग l से दिखाते हैं। और अगर इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो l² = h² + r², यानी कि जो स्लैंट हाइट होगी L is equals to √h² + r². ओके, तो यहां से ये जो L आ जाएगा वो आ जाएगा √h² + r², करेक्ट। तो रखते हैं यहां पर।
एल की वैल्यू, बिकॉज ये जो एस है इसको ही हमको क्या करना है, मिनिमम करना है, लीज कर सरफेस एरिया जो उसने बात करी है, ठीक है। एस क्या है यहाँ पर, कर सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया को आपको मिनिमम करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं लैंग्वेज अब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट द कर सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस, पाई आर। एल की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया। अब देखिए ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है यहाँ, मतलब ये जो एस है, ठीक है, आपने देखा था मैंने अलग अलग कोन बनाए थे, मतलब ये एच और आर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये एच और आर क्या है, वेरिएबल है। तो अगर एच और आर वेरिएबल है तो आप एस को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, या तो एच के रिस्पेक्ट में कर सकते हो या तो आर के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ आर के रिस्पेक्ट में करूंगा। इसके लिए आपको एच की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, आर के टर्म्स में। तो आप देखो क्या कहीं से एच की वैल्यू आर के टर्म में आ सकती है, मेरे ख्याल से आ सकती है। ये देखिए ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस था, ठीक है। तो हमने बोथ साइड क्या किया, हमने बोथ साइड डिवाइड लगा दिया किससे, 1/3 पाई आर स्क्वायर से, हमने लेफ्ट में भी डिवाइड लगाया और राइट में भी हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड लगाया। तो ये देखिए ये 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ गई आपके पास वो हो गई क्या, v, और 3 ऊपर चला गया यानी कि 3 इंटू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर दिया गया। लेकिन आपको तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपको h का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए आप और इधर भी स्क्वायर करिए। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, v को भी मिलेगा, v का स्क्वायर v स्क्वायर, पाई को मिलेगा तो पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और r को भी मिलेगा तो r का स्क्वायर r की पावर 4, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये आपने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और खास बात देखिए एच स्क्वायर की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो किसके टर्म्स में आ रही, कांस्टेंट और वेरिएबल आर के टर्म में। देखो 9 और वी, वी भी कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था गिवन वॉल्यूम में, तो वी को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, पाई तो होता ही कांस्टेंट है तो पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, और आर की पावर 4, तो एच किसका फंक्शन बन गया, आर का, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एच की एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है, एस इज इक्वल्स टू पाई आर और स्क्वायर रूट ओवर, अब देखिए एच स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, 9v स्क्वायर, तो रखते हैं 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, और प्लस आर स्क्वायर, ओके ये हो गया। तो s इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर इन द ब्रैकेट। अब देखिए इसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या, इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, आर स्क्वायर के नीचे 1 अज्यूम करिए, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आ जाएगा, सही है। अब देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए 1 को यहाँ, तो 9v स्क्वायर और प्लस देखिए पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 2, तो आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 4 आर की पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6, तो ये हो गया, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर, ओके। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे में लगा हुआ है, इस पूरे में, तो ये स्क्वायर रूट इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9v स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर आप स्क्वायर रूट दोगे नीचे तो देखिए यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट दिया तो हो गया पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास पाई आर इंटू रूट ओवर 9v स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो पाई आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपके पास पाई, और आर की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, आर की पावर 4 को आप आर का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए आर स्क्वायर को मत देखिए आप, बस ये वाले स्क्वायर को देखो, तो इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि अब आपके पास क्या बचेगा, आर की पावर 2, और वैसे भी आपको पता है आर की पावर 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आर की पावर 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये जो नीचे आर स्क्वायर है इसका मतलब आर इंटू आर है, तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आर एक आर से कैंसिल होगा, तो नीचे आपके पास बच गया क्या, आर। यानी कि मोटी मोटी बात करें तो
तो एस जो है आपका सरफेस एरिया जो है वो आ गया आपका पाई, सॉरी पाई तो नहीं बचा ऊपर, अब आपका आ गया ये क्या स्क्वायर रूट ओवर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और होल डिवाइडेड बाय आर। तो एस को आपने आर का फंक्शन बना लिया स्मॉल आर जो कि वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एस आया है इक्वेशन वन इसको नाम दीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आर के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर फिर आर की हम वैल्यू निकालेंगे जो कि क्रिटिकल पॉइंट होगा, उस क्रिटिकल पॉइंट को हम चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपने जो h की वैल्यू निकाली है स्टूडेंट्स यहाँ से, ठीक है, इसको आपको नहीं भूलना है, तो मैं कहीं पे h भी नोट कर देता हूँ बिकॉज फाइनली हमको h की वैल्यू ही प्रूफ करनी है। तो देखिए यहाँ से अगर हम वापस से स्क्वायर हटा दें दोनों तरफ तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो h की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 3 into v अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको सपोज आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया मान लीजिए, या इसको 2 दे दिया मान लीजिए क्योंकि एच हमने पहले निकाला था ना अपनी कॉपी में, इसको आप फर्स्ट दे दीजिए। तो जब आपका आर का वैल्यू आ जाएगा आप यहाँ रखिएगा तो आपका एच का वैल्यू रूट टू आर प्रूफ हो जाएगा, बट उससे पहले एस को हमको मिनिमम करना है। पहले इतना कॉपी करिए फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी इसको हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 को पहले लिख लिया और 9v स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है उसको हमने बाद में लिख लिया, 9 भी कांस्टेंट है, v स्क्वायर भी कांस्टेंट है अपॉन में r। तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी, नॉट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या हो जाएगा ds बाय dr इज इक्वल्स टू। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ राइट हैंड साइड कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है, ये रहा न्यूमरेटर आपका और ये रहा r डिनोमिनेटर, तो क्या होता है रूट डिनोमिनेटर इंटू डी बाय डी आर ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर इंटू डी बाय डी आर ऑफ डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो ये डेरिवेटिव करना है और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि आर की पावर 2, करेक्ट। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, ये हो जाएगा r इंटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x होता तो 1/2√x होता, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2√, अब x तो है नहीं जो भी है उसको हम कॉपी कर देंगे यानी कि पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर इंटू जी बाय डी आर ऑफ, देखो अब पहले स्क्वायर रूट फंक्शन का किया अब अंदर का करोगे यानी कि डी बाय डी आर ऑफ पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और प्लस 9v स्क्वायर ये, ठीक, माइनस देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, क्यों, क्योंकि डी बाई डी आर ऑफ आर 1 होगा जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई अगर होगी तो इतना ही आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय में क्या है हमारे पास, यहाँ डिवाइडेड बाय में है आर का स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर इंटू, देखो आर इंटू 1 आर होता है तो सिंपली हम यहाँ आर लिख रहे हैं आर और अपॉन में 2√ पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर इंटू, अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव करो आर के रिस्पेक्ट में तो सिंपल है क्या हो जाएगा, देखो पाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, आर की पावर 6 का करोगे तो 6 आगे आएगा और आर की पावर में 1 माइनस करेंगे यानी कि 6 आगे आके मल्टीप्लाई करेगा तो 6 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर में से 1 माइनस कर दो 6 - 1 = 5, ठीक है, प्लस अब देखो 9 कांस्टेंट है और वी भी वॉल्यूम भी कांस्टेंट था तो 9v स्क्वायर कांस्टेंट होगा जिसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का आर के रिस्पेक्ट में 0, तो दिस प्लस 0 इतना ही आ जाएगा, तो हमने इसको ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर ऐसा हो गया और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, आपके पास है आर का स्क्वायर, तो कुछ ऐसी कहानी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आर इंटू 6 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 ये सब मल्टीप्लाई में, तो देखो आर की पावर 5 इंटू ये आर लिखा है मतलब आर की पावर 1, तो आर की पावर 5 इंटू आर की पावर 1 क्या हो जाएगा आर की पावर 6 यानी कि 6 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6, यहाँ हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 और नीचे क्या बच गया, नीचे बच जाएगा 2√ पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और प्लस
9v² ऐसा कुछ हो गया यहाँ। और माइनस में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और प्लस 9v², ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय आपके पास आर स्क्वायर है, और ये हम निकाल के आ रहे थे ds/dr, सरफेस एरिया का जो डेरिवेटिव था आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे थे। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब 1 और ये जो क्वांटिटी है हमारी, ठीक है, अच्छा ये कैंसिल भी हो रहा है, 2 1s और 2 3s, ठीक है। तो यहाँ 2 गायब हो गया और यहाँ बच गया कितना, 3, करेक्ट। तो देखिए 1 और ये जो क्वांटिटी रूट ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 9 वी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर आर पाई की पावर 2, यानी कि पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और प्लस 9v² 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और माइनस इसको यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे, दोनों क्वांटिटी सेम है स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और प्लस 9v² ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आ गया आपके पास क्या, यह आ गया आपके पास ds/dr, करेक्ट। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, इसको उठा के हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग दिस ds/dr इज इक्वल्स टू 0, तो इसको चलिए 0 के इक्वल पुट करिए, यानी कि 3y² r की पावर 6, ओके। वैसे थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता था, कर लेंगे अभी, चलो कोई बात नहीं, या हम इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अभी हमको आगे भी इसका काम पड़ेगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3y² r की पावर 6 माइनस प्लस माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस प्लस माइनस 9v² और डिवाइडेड बाय रूट ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v², करेक्ट। अब यहीं मैं आगे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा देखिए 3πr² आर की पावर 6, यहाँ पर क्या है पाई स्क्वायर आर की पावर 6। तो देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो आप 1 अज्यूम कर सकते हो। अब देखो 3 और माइनस 1 क्या होता है, 2, प्लस का 2 होता है, लिख दिया हमने भाई। अगर 3x माइनस 1x होता तो 2x आता ना, तो 3 और ये वाली क्वांटिटी और फिर माइनस 1 और ये वाली क्वांटिटी, 3 माइनस 1 2 और ये लिख दो आगे, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं दोनों। पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v² अपॉन रूट ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v². तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डीएस, ये जो ds/dr आया है इसको 0 के इक्वल उठा के पुट कर देंगे, ओके। तो पुट करते हैं इसको 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, 2π² आर की पावर 6 माइनस 9v² अपॉन रूट ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v² इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी तो 0 होगी नहीं, आपको पता है ना, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब कुछ रैशनल टाइप का आ रहा है और वो 0 है, तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब ये 0 होना पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता है। तो दिस इम्प्लाइज, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ये जो न्यूमरेटर होगा इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 2πr² आर की पावर 6 माइनस 9v² मस्ट बी इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये 9v² को राइट हैंड साइड वो भेजो तो 0 में ऐड हो जाएगा, यानी कि 2π² आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 9v² राइट में जाके पॉजिटिव हो गया, 0 में ऐड हो गया, ठीक। अब ध्यान दें, अगर हम बोथ साइड डिवाइड लगा दें, किससे, 2π² से लेफ्ट में और 2π² से हमने राइट में डिवाइड लगाया, तो 2π² कैंसिल, और यहाँ से जो वैल्यू आपको मिली है वहाँ, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, आपको मिला है कि r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 9v² अपॉन 2π², ये आपको मिला है, ठीक है। तो देखिए बच्चे बोलते सर r नहीं निकाला, r निकालने की जरूरत क्या है, अगर तुमको फिर भी निकालना है तो निकाल लो, क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू इसकी होल पावर, भाई यहाँ से देखो ये इसकी होल पावर 6 से, तो यहाँ 6 रूट लग जाएगा, यानी कि 9v² अपॉन 2πr² की होल पावर 1/6 हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए कि r अगर इतना है तो r की पावर 6 इतना ही तो होगा, क्योंकि अभी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो हमको r की पावर 6 का काम पड़ेगा, ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए।
हमसे मिस्टेक हो गई है, ये ds बाय dr जब हम निकाल रहे थे तो एक ऐसा स्टेप आया था, उसके बाद क्या किया था गलती से मैंने, बस ऊपर वाले को मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, और ये r स्क्वायर मैं कॉपी करना भूल गया था क्योंकि होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2πr² r की पावर 6 माइनस 9b², ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाता, रूट ओवर r स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9b² इंटू 1, मतलब इतना मिल जाता, ये नीचे आता तो आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करता। मैं आशा करता हूँ कि आपने ठीक किया होगा। तो यहाँ से ds बाय dr, इसके लिए सॉरी ये मेरे से मिस हो गया, आर स्क्वायर तो हमारा इतना आ रहा था ना, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, आर स्क्वायर भी आगे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मतलब हम आर की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, तो जब आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो डिनोमिनेटर तो जीरो होगा नहीं, तो इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो आर की पावर 6 आपका इतना ही आया था जितना हमने निकाला था, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ds बाय dr को आप ठीक कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया, इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए जो थर्ड इक्वेशन आई है, जो ds बाय dr आया है, ठीक है, इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, कहाँ पर r इज इक्वल्स टू इतने पर, या r की पावर 6 इज इक्वल्स टू इतने पर, और हम r को क्या दिखाएंगे, r को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको s को क्या करना था, मिनिमम करना था, ठीक है, मतलब मिनिमम दिखाने के लिए जो हमारा d2s टू एस बाय dr स्क्वायर आना चाहिए, कहाँ पर, एट r इज इक्वल्स टू इतने पर, यानी कि r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 9v² अपॉन 2πr² पर, ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसका साइन अगर पॉजिटिव आ गया तभी हमारा s यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा फॉर अ गिवन वॉल्यूम। तो आइए करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे फिर से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक करें तो कैसे करेंगे, देखिए r स्क्वायर रूट ओवर, क्योंकि अभी इसका काम आपको पढ़ सकता है, पाई स्क्वायर r की पावर 6 और प्लस 9v². देखिए इसको कैसे लिखेंगे, r स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, r स्क्वायर को आप r की पावर 4 का स्क्वायर रूट लिख सकते हो, ठीक है भाई, r की पावर 4 का स्क्वायर रूट लोगे r स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक, इनटू हमने किया पाई स्क्वायर r की पावर 6 प्लस 9v². अब देखिए आपने पढ़ा है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ b क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू b होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि आर की पावर 4 इंटू पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v², इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 6 आर की पावर 10, यानी कि पाई स्क्वायर इंटू, भाई यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, यहाँ भी और यहाँ भी, प्लस 9v² इंटू आर की पावर 4। अब ऐसा हमने क्यों किया वो अभी आपको पता चलेगा, यानी कि r स्क्वायर इंटू रूट ओवर पाई स्क्वायर r की पावर 6 प्लस 9v² की जगह आप ये भी लिख सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, d2s टू एस बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ लगेगा आपके पास क्वेश्चन रूल, ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर यानी कि r स्क्वायर इंटू रूट ओवर पाई स्क्वायर r की पावर 6 प्लस 9v² डिनोमिनेटर इंटू डी बाय dr ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 2πr² r की पावर 6 माइनस 9v², तो ये हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी आर ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ओके। तो न्यूमरेटर क्या है आपके पास, 2πr² r की पावर 6 माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये आप समझिएगा, ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये किसकी है, ये जो डिनोमिनेटर यहाँ लिखा है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इंटू डिवाइड एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिवाइड एक्स नहीं डिवाइड डी आर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, अब देखिए यही बात है, ये आपका जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ, पाई स्क्वायर आर की पावर 10 और प्लस 9v² आर की पावर 4, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, क्योंकि अभी फिर से आगे ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो इसको हमें कहीं यहाँ लिखना चाहिए, अब इसका काम फिर से पड़ेगा, आर स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v² की जो वैल्यू है वो है आपका आपके पास रूट ओवर
पाई स्क्वायर आर की पावर 10 और प्लस 9v स्क्वायर आर की पावर 4। जरूरत पड़ने पर इसको आप ऐसा लिखोगे, इसको वापस आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू ऐसी नहीं लिखते तो हमें जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं तो यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। आर स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन में आता है और स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है आर का फंक्शन ये सेकंड, और फिर प्रोडक्ट रूल लगाते तो बहुत लंबा हो जाता, ठीक। इसलिए मैंने सिंपली इसको अंदर भेज दिया जुगाड़ करके, ताकि मुझे सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना पड़े। नाउ डिवाइडेड बाय इस डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, और इस क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 और प्लस 9v स्क्वायर, करेक्ट। अब डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, आर की पावर 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर की पावर 6, सॉरी आर की पावर 2 है, ठीक है, आर की पावर 2, ये तो ऐसे ही रहेगा सब, प्लस 9v स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करिए क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, आर की पावर 6 का आर के स्क्वायर में करोगे 6 आएगा आगे, 6 टू जा 12 हो जाएगा, 12 पाई स्क्वायर, और ध्यान दें आर की पावर 6 में से 1 माइनस करोगे तो आर की पावर 5 बचेगा, माइनस 9v स्क्वायर, v कॉन्स्टेंट था, 9v स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 9v स्क्वायर का 0 हो जाएगा जिसको हम नहीं लिखेंगे, माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है तो रूट ओवर इसका 1 अपॉन 2 रूट इतना, यानी कि पाई स्क्वायर आर की पावर 10 और प्लस 9v स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू अब अंदर का डेरिवेटिव करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, इसका जब डेरिवेटिव करोगे आप तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, आर की पावर 10 का डेरिवेटिव 10 आएगा आगे, और आर की पावर में से 1 माइनस करेंगे यानी कि आर की पावर 9 आ जाएगा, प्लस देखिए आर की पावर 4 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आर क्यूब, 4 आके आगे मल्टीप्लाई करेगा, 4 9 जा 36 वी स्क्वायर और साथ में आर का क्यूब ये आ जाएगा, ठीक। अब डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 इन द ब्रैकेट पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, करेक्ट, ये आ गया। नाउ अब इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना है, देखिए इसको हम थोड़ा ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये r की पावर 5 है और यहाँ क्या है r की पावर 2 है, तो इसको r की पावर 6 बनाने की कोशिश करो, कैसे करोगे कोशिश बताता हूँ मैं आपको, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इसको आप क्या लिख सकते हो r की पावर 4 और इंटू 1, हाँ ठीक है, और उससे पहले हमको LCM भी लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए LCM लेते, LCM लेने के लिए भाई बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वरना तो आप इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे ना तो वो सिंपली लिख देते हैं बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी गेट d2s by dr square greater than 0, hence the surface area is minimum at the given r, या at the जो भी r की वैल्यू है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको आना चाहिए और आप एग्ज़ाम में दिखाओगे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये इंटू 12 पाई स्क्वायर आर की पावर 5, और देखिए इसके नीचे अगर आप 1 अज्यूम करोगे, ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एलसीएम लोगे 1 और 2 रूट जो भी है इसका, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से करिए ये क्वांटिटी जब यहाँ आके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ये वाला जो आपका 2 है, करेक्ट, ये 2 आएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2r स्क्वायर, और ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट वाली एक्चुअल में ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये जो क्वांटिटी है ये ऐसी है कि नहीं है बताइए, हाँ ये जो क्वांटिटी है रूट ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 10 प्लस 9v स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो ये, यानी कि आर स्क्वायर और रूट ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इस क्वांटिटी को आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 2r स्क्वायर, जब r स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 2r की पावर 4 हो जाएगा,
और ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो ये और ये मैच कर रहा है यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक। माइनस इस पूरी क्वांटिटी में वन का मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि टू पाई स्क्वायर माइनस नाइन वी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे देखिए कुछ गायब है, आर की पावर सिक्स मिस हो गया, ठीक है, तो आर की पावर सिक्स भी होना चाहिए था, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आर की पावर सिक्स, ओके। इंटू वन का तो कोई मतलब नहीं है, रूट और ब्रैकेट में टेन पाई स्क्वायर आर की पावर नाइन और प्लस 36 वी स्क्वायर आर क्यूब, ऐसा हो गया, ठीक। और ध्यान से चेक करिए ये जो क्वांटिटी है ये नीचे आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो टू भाई एलसीएम जब आपने लिया होगा इसका तो इस पूरे में इसका डिवाइड लगा होगा, फिर ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा बस अब लास्ट स्टेप होने वाला है, जब ये नीचे आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होने का मतलब है टू इंटू आर की पावर फोर इंटू आर की पावर टू, ये हो जाएगा आर की पावर सिक्स, ओके। और ध्यान दीजिए साथ में क्या हो जाएगा, साथ में ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट का मतलब है इसकी होल पावर 1/2, इसकी होल पावर 1/2 और इसकी होल पावर 1, सेम क्वांटिटीज़ है। जब ये नीचे आएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 1 + 1/2 3/2 यानी कि पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 प्लस 9 वी स्क्वायर की होल पावर 3/2, इतना कॉपी करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जब स्क्वायर रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था तो इसका स्क्वायर रूट हटा था, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया था, हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब हम निकालेंगे d2s by dr square at r is r की पावर 6 is equals to, कितना आया था हमारे पास, r की पावर 6 कितना आया था, 9v square upon 2 pi r square। तो आपको जहाँ जहाँ r की पावर 6 दिख रहा है, ठीक है, वहाँ वहाँ आप ये क्वान्टिटी रख दीजिए। अच्छा एक चीज़ और ज़रा देखिएगा क्या, कि ये r की पावर 6 जो है 9v² / 2πr², तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ध्यान से करिए। वैसे भी अगर रेडियस एक लेंथ होता है तो उसका जो पावर 6 होगा वो भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा, लेंथ पॉजिटिव तो उसकी पावर 6 भी पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि आपको नीचे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको r की पावर 6 की जगह वैल्यू रखनी हो नीचे तो आप रख दीजिए, हम केवल क्या चेक करेंगे, हम केवल न्यूमरेटर्स का चेक करेंगे। आप ध्यान से चेक करो ना, अगर आप r की पावर 6 यहाँ पर, अरे r पॉजिटिव है यार, तो पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 ये पॉजिटिव होगा, 9v स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव की पावर 3/2 पॉजिटिव ही होगा, और देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है और r की पावर 6 पॉजिटिव है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है d2s / dr स्क्वायर का, ये ऑलवेज क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि d2s / dr स्क्वायर पॉजिटिव होगा कि नहीं, इस बात को कौन डिसाइड करेगा, इसका न्यूमरेटर, ओके। तो आप अगर आप चाहो तो यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख सकते हो क्या, कि वी विल चेक ओनली न्यूमरेटर ऑफ व्हाट, d2s / dr स्क्वायर एट r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 9v² / 2πr², क्योंकि इसका अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तभी ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, इसका न्यूमरेटर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये d2s / dr स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम केवल कहाँ फोकस कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर पे, और इसका न्यूमरेटर भी देखिए निकालना इजी है, ज़्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। देखिए टू, ओके, अब देखिए आर की पावर 4 है यहाँ और ये आर की पावर 5 है, तो इस आर की पावर 5 को आप आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ, लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया क्या, r की पावर 2 इंटू आर की पावर 3, अब ये r की पावर 2 और r की पावर 4 ये सब कुछ मल्टीप्लाई आपस में, तो r की पावर 2 इंटू आर की पावर 4 ये मिलके बना देगा आपका r की पावर 6, तो हो जाएगा आपके पास 2। और एक चीज़ और ध्यान से चेक करिए, 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 12 24 यानी कि 24 r की पावर 6, तो ये हो गया और ये हो गया, अब बचा के आपके पास 12 भी चला गया, पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब बचा, ठीक है, तो पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब बचा आपके पास, ठीक है, आर क्यूब, ओके, ये हुआ। अभी हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, रुक जाओ, और ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर बचा पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और प्लस 9v² माइनस, अब इसको ऐसे ही कॉपी आप कर लीजिए,
टू पाई स्क्वायर आर की पावर सिक्स माइनस नाइन वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट टेन पाई स्क्वायर आर की पावर नाइन और प्लस 36 वी स्क्वायर आर की पावर थ्री। बस मैं न्यूमरेटर चेक कर रहा हूँ। अब इसमें हम आर की पावर सिक्स की नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो पुट करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। 24 आर की पावर सिक्स की जगह नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक, इन टू यहाँ पर क्या है पाई स्क्वायर। अब देखो आर की पावर थ्री क्या हो जाएगा, देखो आर की पावर सिक्स अगर इतना है, ठीक है, तो आर कितना था, आर था आपका इसकी पावर वन अपॉन सिक्स, तो बोथ साइड अगर आप क्यूब करोगे तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल्स टू इसका क्यूब, भाई आर का क्यूब कर रहे हो तो इसका भी क्यूब करो, यानी कि नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर, और जब आप इसका क्यूब करोगे तो यहाँ इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, थ्री, और थ्री यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा तो थ्री अपॉन सिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन सिक्स, और थ्री अपॉन सिक्स का मतलब थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा सिक्स, यानी कि आर की पावर थ्री क्या हो जाएगा, नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि आर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नाइन का स्क्वायर थ्री वी स्क्वायर का स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वी अपॉन टू का स्क्वायर रूट रूट टू और पाई का स्क्वायर रूट पाई। तो आपने देखा आर क्यूब क्या है, थ्री वी अपॉन रूट टू इंटू पाई, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ से वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, थ्री वी अपॉन रूट टू इंटू पाई, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर सिक्स कितना है, आर की पावर सिक्स है नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर प्लस नाइन वी स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, कैसे ज़ीरो हो जाएगा, यही फ़ायदा है हमारा, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ये ज़ीरो हो जाएगा कैसे, जब यहाँ पे आप आर की पावर सिक्स रखोगे, यहाँ पे देखिए टू पाई स्क्वायर आर की पावर सिक्स की वैल्यू रखिए कितनी है, नाइन वी स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर माइनस नाइन वी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक। तो टू पाई आर स्क्वायर से टू पाई आर स्क्वायर का नाइन वी स्क्वायर माइनस नाइन वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये ख़त्म हो गया बाद में, यही हमारा फ़ायदा था। बस अब इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको क्लियरली ये क्वांटिटी कैसी दिख रही है, पॉजिटिव, भाई यहाँ पे नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता है, 24 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, पाई स्क्वायर पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है ही है, ये पूरा अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये आ गया ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या आ गया ग्रेटर देन ज़ीरो, डी टू एस बाय डी आर की डी टू एस बाय डी आर स्क्वायर एट आर की पावर सिक्स इज इक्वल्स टू आर की पावर सिक्स का मतलब एट आर इज इक्वल्स टू वॉट, आर इज इक्वल्स टू नाइन वी स्क्वायर, क्योंकि आर आपका क्रिटिकल पॉइंट है तो आप आर पे काउंट करिए, एट आर इज इक्वल्स टू नाइन वी स्क्वायर इंटू टू पाई स्क्वायर की होल बार वन अपॉन सिक्स। तो डी टू एस वाई डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल्स टू दिस इज वॉट ग्रेटर देन जीरो। और सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आ गया, क्यों ग्रेटर देन जीरो आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर था वो तो था ही पॉजिटिव और न्यूमरेटर को हमने पॉजिटिव के इक्वल दिखा दिया, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो r आया था आपका, ठीक है, r इज इक्वल्स टू दिस इज वॉट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फॉर वॉट, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन s, ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया s था, इसका मतलब s इज द मिनिमम एट r इज इक्वल्स टू दिस। तो r की वैल्यू इतनी ले लें अगर हम, तो हम h इज इक्वल्स टू रूट टू r प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, कहीं पे हमने h निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए इक्वेशन नंबर वन में, तो इक्वेशन नंबर वन में h इज इक्वल्स टू कितना है, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट्स r हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया s के लिए, अब हम हाइट निकालते हैं, तो हाइट हमने कहीं निकाल के रखी हुई थी, देखिए हाइट क्या था, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर v क्या था, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास यहाँ से कि जो रिलेशन आया था r की पावर 6, r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं, कैसे, 2 पाई स्क्वायर को इधर भेज दो, देखो बोथ साइड हमने 2 पाई स्क्वायर से क्या किया, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, अब 9 से डिवाइड कर दो उधर,
ये 9 उधर जाके डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखिए v स्क्वायर अगर इतना है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि इसकी होल पावर 1/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा ये स्क्वायर रूट सबको मिलेगा, 2 को, पाई स्क्वायर को, आर की पावर 6 को और 9 को, सबको। तो 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई होता है, और आर की पावर 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आर की पावर 6 का स्क्वायर रूट का मतलब आर की पावर 6 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई जाएंगी पावर तो जाएगा आर की पावर 6 × 6/2, यानी कि 2 × 2 = 3 था, आर की क्यूब हो जाएगा ये, तो आर क्यूब और अपॉन में 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में निकाल ली, वॉल्यूम की वैल्यू हमने रेडियस के टर्म में निकाल ली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको हाइट किसके टर्म्स में लानी है, रेडियस के टर्म में। तो वॉल्यूम जब आप रेडियस के टर्म में चेंज करोगे तभी हाइट रेडियस के टर्म में आएगी। तो सॉल्व अगर इसको करें तो 3/π r² और वॉल्यूम की जगह आपको ये पुट करना है, तो वॉल्यूम की जगह हमने √2π r³/3 पुट किया, ठीक है। अब इसको अगर आप सब देखो, ये 3 इंटू इतना है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से 3 गया, ठीक। तो ये आ गया आपके पास √2π r³/π r², पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब और नीचे आर स्क्वायर, आर क्यूब को आप आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हो, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो हाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, √2 r आ गया, ठीक है। तो बस यही आपको प्रूफ करना था, सारी चीज़ें हमने प्रूफ कर दी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 25 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते थे कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें।